आप देख रहे हैं एच एन न्यूज़। एच एन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजहरुद्दीन। आइए देखते हैं आगे की तफसीलात वीडियो में। पतंग महल गुलजारों चार मीनार के बाद आज़ादी के ज़माने से हमारे फसाने का ये नया मांझा आया है। चेन्नई मांझे को काटने वाला योद्धा मांझा जो आपको बजाज पतंग महल के सिवा कहीं नहीं मिलेगा। बड़ी आसानी से ये चेन्नई मांझे को काट देता है और इसको बोल सिटी की भाषा में अंडे का मांझा बोलते हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री के नाम का मांझा आया है, मोदी मांझा। ये सूरत में बनता है साहब और बहुत जबरदस्त मांझा है, वेरी स्ट्रांग। ये 12 तार मिलकर एक तार बनता है जो चेन्नई मांझे को इजी कर देता है। बनाया साहब चेन्नई मांझे को टीपू सुल्तान मांझा, ये 12 क्रॉस करा था, 12 तार मिलकर एक तार बनता है। ये भी चेन्नई मांझे को आसानी से काटता है। चेन्नई मांझे बैंड होने के कारण ये अच्छे अच्छे मांझे बनाए हैं लोगों को। ये मांझे कॉम्पिटिशनों में भी इस्तेमाल होते हैं। खूबसूरत पतंग छतरी वाली, इसका नाम अम्ब्रेला गाइड है। इसमें 10 कलर आएंगे रेडियम में, रात में बहुत चमकती है। रात में उड़ाने का इसका अलग ही मजा है। ये स्पेशल पतंग आई है 2022 हैप्पी न्यू ईयर वाली, इसमें भी आपको 10 किले मिलेंगे और हाथ की कटिंग है। देखिए फैंसी पतंग, रात में उड़ाने का इसका अलग ही मजा है साहब। की चरखी मीना की कारीगरी करी है, ये पित्तल के बिल्ले के ऊपर, ये जयपुर के कारीगरों द्वारा। ये भी आपको बजाज पतंग महल पर मिलेगी, इसके सिवा कहीं नहीं मिलेगी। ये भी कई आइटम मिलेंगे साहब। इस तरह की ये ऐनक है, ये बच्चे मस्त मस्ती करते हैं इसके अंदर, फुल एंजॉय करते हैं, इस तरह लगाते हैं। बच्चों के आइटम हर चीज मिलेंगे साहब। ये बड़ों के ऐनक एक से एक वेरायटी के, मेरे पास 50 टाइप के मिलेंगे आपको। उंगलियों की रक्षा करने वाले फिंगर सेवर, मांझों से बच्चों की उंगलियां ना कटना, इस वजह से हमने मानव बनवाए हैं। ये देखिए साहब, ये सोलर गैप है, जैसा बच्चा धूप में जाएगा बड़ा कोई भी लगा सकता है, लेडीज जेंट्स कुछ भी नहीं जाते कि इसका पंखा चालू हो जाता है। ये देखिए, ये रेडियम के चश्मे मंगवाए हमने, कई प्रकार के, कई कलर के। आराम से लगाइए और फेस्टिवल का मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए। फुल टू कटा कटा कर आजकल पूरी बजाते हैं। ये देखिए, ये टोपियाँ इसमें भी कई प्रकार के आएंगे साहब आपको, कई अच्छे अच्छे ब्रांडेड के। ये सेफ्टी के लिए टेप है साहब, उंगलियां नहीं कटना इसलिए पहले लगाई जाती है। चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे चली। बोलना हम बेच रहे नहीं और बेचने देंगे भी नहीं, परंतु फिर भी गवर्नमेंट दुकान वालों को परेशान करती, फॉरेस्ट वालों को, पुलिस वालों को, सबको भिजा के, लेकिन कंपनियों को क्यों बंद नहीं करती? कि कंपनियों को बंद कर देंगे तो माल बाजार में आएगा नहीं, बिकेगा नहीं। ये एक मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट रहो चाहे स्टेट गवर्नमेंट रहो, आप फैक्ट्रियों को बंद करिए। आप पान के डब्बे वालों को आगे परेशान करते, गुटखा बनाने वालों को बनाने देते, वो क्यों करते आप लोगों को मालूम या परमात्मा को मालूम? वो बंद हो गया तो खुद में खुद नहीं आता, खुद में खुद नहीं बिकता। कितनी बेरोजगारी हो गई लोगों की यहाँ पे। हैदराबाद में कम से कम हजारों लोग धागे का मांझा बनाते थे और उनको रोजगार चलता था उनका। बरेली में कम से कम 5 लाख लोग का रोजगार छिन गया चेन्नई मांझे की वजह से, वो कोई भी नहीं देख रहा। दुकान वालों को आगे अननेसेसरी परेशान कर रहे, कंपनियों को बंद कर दिए तो माल आता नहीं, बिकता नहीं। हम चेन्नई मांझा बेच रहे नहीं, जो बेच रहे उनको हम पसंद नहीं कर रहे। हम धागे में हर वेरायटी का मांझा लाए, इस वजह से हैदराबाद का भी हमारे पास, सूरत का है, गुजरात का है, मुंबई का मांझा लाए, हर तरफ का मांझा ला रहे। पूरी कोशिश कर रहे और सबसे गुजारिश है चेन्नई मांझा मत बेचिए, देसी मांझा बेचिए। भारत के बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा उससे, और परिंदों के लिए नुकसानदेह है चेन्नई मांझा, उनके पर कट जाते, बड़े लोगों को, अपनों को भी हम बोले थोड़ा, किसी का कान कट जाता, किसी का कुछ कट जाता, मरता कोई नहीं भगवान की दया से, परंतु नुकसान है, जो चीज़ नुकसान है वो